हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज करना चाहते हैं और रियलमी का कोई नया फ़ोन लेना चाहते हैं तो रियलमी स्टोर ओपन करेंगे। रियलमी स्टोर ओपन करने के बाद आप जो नया फ़ोन लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। हम रियलमी XT सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे रियलमी एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा, उसके बगल में अवेल नाउ पर क्लिक कर देना है। इस अवेल नाउ पर क्लिक करने के बाद अब आपका पिन कोड मांगेगा, तो मैं अपना पिन कोड दे देता हूँ। पिन कोड देने के बाद इस चेक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे इवेलुएट माई डिवाइस पर क्लिक कर देंगे और वहाँ क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस लॉगिन हो रहा है। उस इंटरफेस में IMEI नंबर मांगेगा और IMEI नंबर के लिए आपके अपने फ़ोन में डायल करना है *H06H, तो आपका IMEI नंबर आ जाएगा। तो मैं अपना IMEI नंबर दे देता हूँ। IMEI नंबर देने के बाद इस सर्च पे क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके नीचे दो ऑप्शन आया है, एक Realme 2 3GB और दूसरा Realme 2 4GB। तो आपका जो फ़ोन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा ये है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन का कॉस्ट लग गया। तो आप इस प्रोसेस के ज़रिए अपने फ़ोन को एक्सचेंज कर नया फ़ोन ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इन्फॉर्मेशन पावर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पर्सनलाइज बेल आइकन दबा ले ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।